आज के डिस्कशन का विषय है रायपुर डिवीजन में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा के लिए जेई वर्क्स में पूछे गए प्रश्न पत्र पर चर्चा यह परीक्षा 16 नौ 2021 को ली गई थी यह प्रश्न जेई वर्क्स और जेई पी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हो सकता है यह प्रश्न ए एन की परीक्षाओं में भी उतना ही उपयोगी रहेगा उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय पहला सवाल है प्रोविजन ऑफ लॉन एंड हेजेज फॉर ऑफिसर्स मंगलो शुड बी अधिकारी के बंगले के लिए लॉन और हेज का प्रावधान कितना होता है तो हेजेज और लॉन या लॉन और हेजे जैसा पूछा गया है तो पहले लॉन जो रहता है वो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर और हेजेज 200 मीटर प्रश्न संख्या दो नॉर्मल साइज ऑफ पिट फॉर प्लांटेशन शुड बी वॉट एज एरिया वाइज एज वेल एज हाउ मच डीप इट शुड बी अर्थात रोपण के लिए गड्ढे का सामान आकार का घनत्व और गहराई कितनी होनी चाहिए और इसका सही जवाब है कि आकार 0.5 स्क्वायर मीटर का और गड्ढा की जो गहराई है वो एक मीटर की होनी चाहिए लॉन मूइंग शेड्यूल यानी कि लॉन की छटाई का शेड्यूल किया है लॉन की छटाई का शेड्यूल वन इन ए मंथ है स्टैंडर्ड ड्राइंग फॉर ट्रैक एंड ब्रिजेज आर प्रोवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं तो आर डी एस ओ प्रश्न संख्या पांच वाट शुड बी एज पर कैपिटल कंजप्शन फॉर डिजाइनिंग द वाटर सप्लाई सिस्टम एंड दैट इज 200 हंड्रेड लीटर्स पर पर्सन पर डे व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दैट इट शुड बी 45 फाइव सेंटीमीटर एज पर एन वी सी मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम एंड डैट इज वन पॉइंट एट स्क्वायर मीटर वेन द एनुअल जोनल कॉन्ट्रैक्ट वॉज कमेंसेज एवरी ईयर एंड डैट इज फर्स्ट जुलाई ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है सवाल में इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे कि एनुअल जोनल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जुलाई से प्रारंभ होता है what should be applied to the sides and bottoms of an open ball after cleaning and that is lime what is the height of medium level platform for broad gauge and that is 455 millimeter this question comes from the SOD what should be the platform number sign boards and columns and that is white figure on ब्लू बैकग्राउंड अर्थात नीली पृष्ठभूमि भूमि पर सफेद आकृति बनाई जाएगी वॉट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ सीवर लाइन एक्सेप्ट फॉर हिली एरिया हिली एरिया को छोड़ दिया जाए तो जो सीवर लाइन होती है उसका मिनिमम डायमीटर कितना होता है एंड दैट इज 200 हंड्रेड मीटर हार्डनेस ऑफ वाटर इज काउज ड्यू टू पानी में जो हार्डनेस होती है कठोरता होती है उसका कारण क्या है तो उसका कारण कैल्शियम सल्फेट भी है मैग्नीशियम सल्फेट भी है और कैल्शियम नाइट्रेट भी है तो उसका सही जवाब हो गया ऑल ऑफ द एब प्रश्न संख्या चौदह ए फोर साइज जो सीट होती है पेपर साइज इसके कितना होता है तो 210 सौ दस गुना दो सौ यानी कि इसकी जो चौड़ाई चौड़ाई होती है 210 सौ mm होती है और लंबाई जो होती है दो सौ सत्तानवे मिलीमीटर होती है वेन सेल द एन शुड कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ इच सेक्शन इंजीनियर ऑफिस एंड स्टोर एंड दट इज वंस इन एयर सर्विस बुक्स ऑफ ग्रुप डी स्टाफ शुड बी प्रिपेयर तो सर्विस बुक जो स्टाफ का है वह प्रिपेयर कर दिया जाता है जो वर्क साइड के हैं वो एस एस सी वर्क के द्वारा बनाए जाते हैं फुल फॉर्म ऑफ एनबीसी एनबीसी का का पूरा पूरा नाम नाम क्या है तो का नाम है तो नेशनल बिल्डिंग कोड विच कोड इज यूज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर जनरल स्ट्रक्चर फॉर प्लेन एंड री कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अर्थात भवनों के निर्माण में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइनों के लिए संरचनाओं के डिजाइन के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है एंड दैट इज IS 456 2000. The next question is For addition and alteration of any temporary structure, whose written sanction should be necessary? And that is senior DN. In office building, how many urinals are proposed for every 7 to 20 person? And that is one. The next question is plinth area of type 2 quarter the plinth area of type 2 quarter should be 54 square meter the SSC works shall examine all tool and plants with artisan and that is once in a month plinth area of type 3 quarters plinth area of type 3 quarters is 63 square meter l m what is l m elm is a cogland minimum slope to be provided on the floor of bathroom towards outlet and that is 1 in 60 when ssc works should inspect all the building water supply installation sewage installation and drainage arrangement and that is once in a year वेन शुड बी ऑल द अस्ट्रक्चर सिटुएटेड अलॉन्ग साइड द रनिंग लाइन्स शुड बी थॉरोली इंस्पेक्टेड बाई एस एस सी और जेई वर्स एस एस सी और जेई वर्स के द्वारा जो रनिंग लाइन्स है उसके साथ में स्थित सभी संरचनाओं को अच्छी तरह निरीक्षण कब किया जाना चाहिए एंड डेट इज वंस इन सिक्स मंथ डी कोड ऑफ एस आई जी यानी एस आई जी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप The next question is When should the inspection of colony care committee along with the SSC work? And that is once in three months. When should the colony care committee holding meeting? And that is once in two months. When should the painting of the interior wood and steel work should normally be done? And that is five to seven years. वेन शूड द इंस्पेक्शन ऑफ अ अस्ट्रक्चर सजज वर्कशॉप रनिंग सेड प्लेटफॉर्म कवर एंड एफ ओ बी टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रेस्क्राइब मंथ ऑफ द एस एस सी अर्थात एस एस सी द्वारा निर्धारित महीने के दौरान कार्यशाला रनिंग सेड प्लेटफॉर्म कवर एफ ओ बी जैसी संरचनाओं का निरीक्षण कब किया जाता है और वो होगा वन सर हैंडलिंग ओवर ऑफ कमीशन असेट बाई कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन To open line department should be done within how many days of the commission of the seed asset and that is within 90 days as water cement ratio increases workability also increases the ground around the well for how many meters radius of प्ट क्लीन टू गार्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन इन्हें कितने मीटर के दायरे में कुएं के चारों ओर मैदान को प्रदूषण से बचाने के लिए साफ रखा जाना चाहिए एंड डेट इज फिफ्टी मीट इन केस ऑफ आईलैंड प्लेटफॉर्म वाट शुड बी द स्लोप ऑफ प्लेटफॉर्म सरफेस अबे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म अप टू द कोपिंग ऑन ईदर साइड एंड दट इज वन इन फोर्टी

आफ्टर हाउ मैनी डेज इन देंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एंड दट इज आफ्टर ट्वेंटी एट डेज वेयर सुड द स्क्र वॉल्व ऑन मेन फॉर क्लिनिंग सीडिमेंट एंड इम्पटिंग द पाइप आर प्रोवाइडेड यानी कि तल छटी को साफ करने के लिए और पाइपों को खाली करने के लिए मेन पर स्क्वार बाल्ब कहा पर उपलब्ध किया जाने चाहिए एंड दट इज डिप्रेश what is used to check the concentration of residual chlorine that is orthodoline in the ratio 1 is to 4 is to 8 which number indicates the quantity of five, uh, fine aggregate and that is 4 uh, uh, land acquisition officer is nominated by whom and that is collector of the district in a district collector Work dash to be dismantled should be represented by which line and the work which is to be dismantled in, in the drawing is, de, uh, is denoted by thin dotted line. New addition work, additional work should be represented by which line and that is red line. Each blank master seed must be initialed by the whom and that is concerned EDN. ड्यूरेशन ऑफ वाइट वॉशिंग इन रनिंग रूम किचन एंड दैट इज वंस इन सिक्स मंथ अ स्टैंडर्ड स्लो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्केलेटर्स एट इम्पोर्टेंट स्टेशन इन डिग्रीज महत्वपूर्ण स्टेशन पर एस्केलेटर के स्थापना के लिए जो मानक ढाल है वह तीस डिग्री की ड्यूरिंग क्लोरनाइजेशन ड्यूरिंग क्लोरिनाइसन वॉट इज द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट टाइम इज प्रोवाइडेड एंड दैट इज थर्टी टू सिक्सटी मिनट Full form of P, uh, PFA and that is principal finance advisor. Next question material modification needs approval of the estimate by whom? So, material modification can be approved by the person who is sanctioning the estimate, that is, sanctioning authority. Execution of work can be carried out by with the written order, progress report of all works during the month in a division to be submitted to PCE. The cost of fly as brick compared traditional clay brick, and that is more full form of HDF, high density fiber board. मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जो बाय गुड बिल्डिंग स्टोन यानी गुड बिल्डिंग स्टोन द्वारा पानी अवशोषित करने की अधिकतम प्रतिशत कितनी होती है दैट इज फाइव परसेंट वाट इज दफ एंड एंड दैट इज टैम्पर्ड ग्लास मिनिमम रेडियस ऑफ कर्ब मिनिमम रेडियस ऑफ कर्ब दैट इज वन मीटर फुल फॉर्म ऑफ सी आर एस सी आर एस का पूरा नाम है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी minimum horizontal distance from center of track to face of passenger platform coping and that is solar so millimeter 1670 millimeter for other specified berth plan head comes under the 64 Sheep foot roller is suitable for c foot roller is suitable for cohesive soil द कॉन्ट्रैक्टर सेल नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रेन बिलो वाट एज ऑफ लेबर एंड फोर्टीन कॉन्ट्रैक्टर चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूर के रूप में नियुक्त नहीं करेगा और जी सी सी का पूरा नाम क्या है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाट डू बी कॉल एन एग्रीमेंट इन फोर्सबल वाई ला कानून द्वारा लागू एक समझौते को हम क्या कहते हैं डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट The most ideal disinfected used for drinking water throughout the world, and that is chlorine. For conducting departmental inquiry, the order to form the committee will be given by, and that is DRM. The bridge shall be inspected by IOW or PWI when monsoon inspector concern will be done, and that is once in a year. यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में थोड़ी गलती है वर्ष में एक बार इसमें ए ऑप्शन में डाला हुआ है आ में जबकि इसमें सी में है तो इसका सही जवाब है वंस इन ए ईयर तो आप इसे जो जनरली देखा जाता है कि जो अंग्रेजी के सवाल होते हैं उसके ही ऑप्शन सही माने जाते हैं तो परीक्षा में ऐसे हालात में आप अंग्रेजी वाले ऑप्शन को सही माने वट मेथड और मटेरियल यूज टू सील द क्रैक्सर सी पीज इज लाइट एंड डेट इज लीड उल एवरी ईयर हाउ मैनी डेज ऑफ एवरेज पे लीव इज क्रिएटेड एंड डेट इज फिफ्टीन ये फर्स्ट जैन को पंद्रह और फर्स्ट जून को भी पंद्रह क्रिएट होती है एस एफ फाइव एस एफ फाइव में मेजर पेनल्टी दी जाती है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय ऑन कम्पन्नेट ग्राउंड अगर कम्पनसनेट ग्राउंड पर है तब वो जी होंगे एट डिवीजन लेवल जो पी एन मीटिंग होती है वो कितने समय पर होती है तो वो प्रत्येक दो में कराई जाती है जो पेंटिंग है वुड और स्टील वर्क का बिल्डिंग के इंटीरियर का वुड और स्टील वर्क की पेंटिंग पाँच साल से सात साल में कराई जाती है वॉट इज दिड्यूल ऑफ कलर वाशिंग फॉर एक्सटीरियर प्लस्टरिंग सरफेस ऑफ टाइप टू क्वार्टर एंड दैट इज टू ईयर्स दाइट ऑफ बुकिंग विंडो एंड वन मीटर द हाइट ऑफ डैडो इन द किचन ऑफ अस्टाफ कैंटीन स्टाफ कैंटीन में किचन के डैडो में डैडो की हाइट कितनी होती है तो बारह सौ मिलीमीटर द शड्यूल फॉर इंटीरियर वाइट वाशिंग फॉर हॉस्पिटल इज वंस इन अयर व्हाट इज द क्राइटेरिया टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टैप ऑन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर पीने के पानी का नल प्रदान करने की क्या मापदंड है तो दो कोचेज में पर एक टैप दी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ गार्डन पर हेक्टर ऑफ लॉन एरिया इन लेटर्स लॉन क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर बगीचे की देखभाल के लिए रख रखाव के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है तो 22,500 लीटर द कंप्लेन्ट्स इन द पेटी रिपेयर बुक विल बी इंटर्ड बाय रिपेयर बुक में पेटी रिपेयर बुक में शिकायतें कौन दर्ज करेगा तो स्टाफ रिजाइडिंग इन द कॉलोनी हाइट ऑफ लेटर्स फॉर प्रिंसिपल नेम बोर्ड आर एंड दैट इज थ्री मिलीमीटर द ब्रिज फाउंडेशन एंड सब स्ट्रक्चर सेल्वी इंस्पेक्टेड बाय तो फाउंडेशन बुल की नींव है और जो उसका सब स्ट्रक्चर है उसका जो इंस्पेक्शन होगा वो एस एस के द्वारा किया जाएगा डिस्टेम्पर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो इंटीरियर सरफेस जो कि वेदर को एक्सपोज नहीं करता है यानी कि वे आंतरिक्षता है जो बारिश से खराब ना हो वहाँ पर ही डिस्टेम्पर का प्रयोग किया जाता है द वॉल्यूम ऑफ ए बैग ऑफ ए सीमेंट इज तो वॉल्यूम एक बैग का वॉल्यूम जो होता है पॉइंट जीरो थ्री फाइव क्यूबिक मीटर होता है द प्रिंसिपल बोर्ड हाइट फ्रॉम प्लेटफॉर्म लेवल टू बॉटम ऑफ द बोर्ड एंड दैट इज टू मीटर प्रिंसिपल बोर्ड की ऊंचाई प्लेटफॉर्म के लेवल से बोर्ड के निचले हिस्से तक जो होती है दो मीटर होती है और हॉस्पिटल हॉस्पिटल के जो इम्पोर्टेंट रूम की फ्लोरिंग होती है वो कैसे होनी चाहिए दैट इज मोजैक the colony committee will be constituted for railway colonies when the number of a staff quarters is more the colony committee कब बनेगी तो colony committee किसी colony में तभी बनाई जाएगी वहां पर जब 1000 quarters से ज्यादा क्वार्टर हो encroachment by outsiders removal जो pp act के तहत जो encroachment outsider के द्वारा किया जाता है उसे कैटेगरी ए के एनक्रोचमेंट कहे जाते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर वन क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसिनरी ब्रिक मैसिनरी वर्क में एक मीटर क्यूब में जो ब्रिक्स की चिनाई करनी है तो उसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे एंड दैट इज 500 हंड्रेड मोर्टार में बाइडिंग मटेरियल क्या होता है किसी भी मोटार में जो बांधने के लिए जो मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल होता है वो कौन सा होता है तो डेट इज सीमेंट आई स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर देखी जाए तो जो सीमेंट में अधिकतम फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक बेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स अगर प्रथम श्रेणी का ईट है अगर उसको चौबीस घंटे ठंडे पानी में दुआ करके रखेंगे तो वह कितना प्रतिशत पानी जो है वह उससे अधिक नहीं सोखना चाहिए तो 20 प्रतिशत से पानी अधिक नहीं सोखना चाहिए इंस्पेक्शन ऑफ लैंड बाउंड्री वेरिफिकेशन शुड बी डन बाय द एसई वर्क्स एंड एस एस सी पी वे सो डैट इज वन ईयर यानी कि रेलवे की भूमि की सीमा का अगर सत्यापन करना है तो सेक्शन इंजीनियर वर्क्स और सेक्शन इंजीनियर पी मिलकर के साल भर में एक बार इसका इंस्पेक्शन करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो वो थीनर के तौर पर किया जाता है यानी कि पेंट को पतला करने में किया जाता है द सर्विस एरिया इन ए बिल्डिंग इसका मतलब क्या होता है तो अगर तो हम ऑप्शन में देखें तो स्टेयर्स लाइट एंड सॉफ्ट एंड टॉयलेट तो इन सभी के एरिया को जोड़ा जाएगा तो ये ऑल ऑफ द राइट आंसर प्लास्टरिंग जो कि एक्सपोज है ब्रिक वॉल्स में यानी बाहर के ईंटों की चिनाई के लिए प्लास्टर के लिए सीमेंट सैंड का मिश्रण क्या होना चाहिए फॉर प्लास्टरिंग द एक्सपोज ब्रिक वॉल्स द सीमेंट सैंड मोटार्स शुड बी वन इज टू फोर द सीलिंग हाइट ऑफ ए बिल्डिंग जो सीलिंग हाइट जो होती है उसको किसको बोलते हैं हम तो सीलिंग और फ्लोर लेवल के बीच के यानी कि छत और फर्श के स्तर के बीच को क्या बोलेंगे सीलिंग हाइट कहा जाएगा और हम सौ में क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स दैट इज सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स इनका रेशियो एम ट्वेंटी में क्या होता है तो एम ट्वेंटी में होता है एक डेढ़ और तीन का रेशियो होता है ये याद रखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफी परीक्षाओं में ये चीज़ पूछी जाती है और अब चले राजभाषा की ओर की भारत की संघ की राजभाषा क्या है तो भारत की संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवना, देवनागरी है ठीक है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के हिसाब से अंडमान और निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आते हैं तो वो ए क्षेत्र में आते हैं यानी क क्षेत्र में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरीज बी ग्रुप में आता है तो चंडीगढ़ और दादरा एवं दमन द्वीप एवं दादरा एवं नागर हवेली ये सभी आते हैं अभी ये दोनों एक ही हो गए हैं एक यूटी हो गया है तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एवम इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल्स थ्री फोर्टी थ्री टू थ्री फिफ्टी वन दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल संविधान के किस भाग में आर्टिकल तीन सौ से तीन सौ इक्यावन है जो कि राजभाषा के बारे में बताता है और वह है भाग सत्र और नेक्स्ट सवाल है कि प्रजेंट में एट्स शेड्यूल में कुल कितनी भाषाएं हैं तो कई चीज़ समझने के लिए है कि जो भाषाएं वो एट्स शेड्यूल में है शुरुआत में इसमें चौदह थी बाद में इसमें आठ और जोड़ दी गई तो आज के समय में इसमें कुल बाईस भाषाएं हैं तो इसकी जवाब होगा बाईस भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास हुआ तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में पास हुआ 1976। हिंदी कोर्सेज कितने होते हैं इन वास्तविकता में देखें तो हिंदी कोर्सेज तो चार होते हैं लेकिन इसमें ऑप्शन चार नहीं है तो तीन क्योंकि पारंगत इसमें से नहीं गिना जाएगा अगर ऐसी स्थिति में है तो क्योंकि चार तो यहाँ है नहीं चार अगर होता तो हम चार का जवाब देते हैं अगर वो नहीं है तो पारंगत को हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जो दिए गए ऑप्शन है तो तीन सबसे सुटेबल है क्योंकि पहले तीन था बाद में चार हुआ विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्सेज तो वो है प्रबोध जैसे कि ऊपर में बात कर रहा था तो उसमें प्रबोध प्रवीण प्राग और पारंगत है तो जब तीन की काउंटिंग ही की गई है तो उसके में तीन है तो सबसे पहला छोटा वाला जो कोर्स होता है वो प्रबोध होता है फिर प्रवीण है और फिर प्राग्ञ है विच लैंग्वेज इज नॉट इन्क्लूडेड इन द एथ शेड्यूल ऑफ द कंस्टिट्यूशन आज में शेड्यूल में कुछ जो बाईस भाषाएं हैं उसमें भोजपुरी का नाम सम्मिलित नहीं है तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको 110 प्रश्न आपके परीक्षाओं में उपयोगी होगा इसमें से कुछ प्रश्न तो वर्क्स के लिए हैं और काफी प्रश्न जो हैं वो वर्क्स और पी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं और एक के परीक्षा में तो ये सभी प्रश्न उपयोगी हैं तो मेरी तरफ़ से आपको धन्यवाद आप जो भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो